एक आइडिया, ये बचपन का सबसे बड़ा कांड है। आप सचिन बेटा कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरीबडी विल क्लैप नाउ। 27 जुलाई, बहुत पुराने 1994-95 की बात होगी शायद। जन्मदिन बचपन वाले याद करें तो हमारे उस टाइम पे क्या होता था, ठीक है, बाद में तो अब चीजें चेंज हो गई, पार्टी वार्टी कहीं और देने लगे, पहले तो यही होता था। एक बढ़िया आप पैकेट दिलवा दो टॉफी का, आया ना, पैकेट दिलवा दो टॉफी का। और पैकेट लेके जाते थे टॉफी का, है ना, बिल्कुल सही, जो हमारे फेवरेट टीचर हुआ करते थे, फेवरेट टीचर, समझ में। आई होप आप लोगों ने भी ये वाला दौर जिया होगा, इतने नए तो तुम भी नहीं हो। हाँ, कौन से वाला, कि जो हमारे फेवरेट टीचर हो उनके लिए तो अलग से 2-2 रुपए वाली, 3-3 रुपए वाली चॉकलेट, बाकी उस टाइम पे जो टॉफी वाला पैकेट आता था वो 1 रुपए में 5-10 टॉफियां मिले वो वाला पैकेट दिलवा देते। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो देखे भैया बाकी लोग जो है वो 1 रुपए की एक टॉफी वाला जो पैकेट लेके आता था वो सबसे अमीर आदमी माना जाता था। बोले यार बहुत सही। और जब आप बांट रहे हो क्लास में, याद है ना, आइए क्लास में कैसे सेलिब्रेट होता, बेटा कम, सचिन बेटा कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरीबडी विल क्लैप नाउ, विश हिम हैप्पी बर्थडे, नाउ डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज, सबके पास जा जाके, है ना। हाँ, और एक तरीका सबसे बढ़िया फेमस वाला क्या होता था, पैकेट पकड़ लो नीचे से, ऊपर 2-4 टॉफियां ही होनी चाहिए। अच्छा, ये पैकेट सामने ऑफर करने वाला, ये भी एक स्टेज के बाद में, शुरू में तो क्या होता है, भिखारी बन के बैठे होते बच्चे, बोले हाथ कर आगे एक टॉफी, हाँ, और वो जो थोड़ी पसंद है उसको 2 टॉफी, चेहरे पे स्माइल, तभी से शुरू कर दिया, बोले, है ना। फिर बड़े बड़े जैसे हुए ना तो ये ऐसे देने वाला काम बंद कर दिया, फिर ऐसे आगे आप उसके ऑफर करो, मतलब ऐसे ही होता है शायद, मैं तो अपनी स्टोरी बता रहा हूँ भाई। हाँ, तुम लोग जो है अब सीसीडी पीपीडी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचने लग गए हो, डोंट नो। हाँ, फिर बड़े थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वो टॉफी का पैकेट तो सही मिला, फिर आगे ऑफर करो, फिर वो चॉकलेट वाला मंच वाला एक पैकेट आता था बहुत बड़ा, फिर वो लाके ऑफर करने लगे। यार ये तो अमीर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब बहुत छोटे होते थे ना, बहुत छोटे, शायद सेकंड क्लास की बात है, तब तक मैं हॉस्टल में शिफ्ट नहीं हुआ था, हॉस्टल से शिफ्ट होने वाले पहले साल की बात है, तो मुझे क्या है, टॉफी वाला वो पैकेट तो दिलवा दिया, सुबह सुबह की बात है, जैसे इसी दिन 27 जुलाई, बहुत पुराने 1994-95 की बात होगी शायद, तो मुझे वो टॉफी वाला पैकेट तो दिलवा दिया, बट और वो नए कपड़े भी पहना दिए, ठीक है, हाँ, हाफ चड्डा टी शर्ट बढ़िया एकदम, जाओ बोले, पर मुझे स्कूल जाने के लिए बोला गया, वहां पे मुझे एक कमी लग रही थी यार, इन घर वाले कैसे घर वाले हैं, बोले हाँ, केक वेक का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि भैया केक काटेंगे, आज तेरा बर्थडे है, ये वो कुछ नहीं। सुबह उठ के पैर छुए पेरेंट्स के, आशीर्वाद वाशीर्वाद लिया, टीका वीका चावल वो सब लगा के बोले अब स्कूल जाओ। तो मैं गया, थोड़ा घबरा गया, मुझे लगा ये घर वाले भूल गए, लग रहा है कि बर्थडे में जो सबसे मेन अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए एज ए चिंटू, वो है हमारे लिए केक, और ये केक का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, ना दीदी ले रही है, ना पापा, ना मम्मी, ना भैया, कोई नहीं नाम ले रहा है। तो मैंने क्या किया, एक आइडिया, ये बचपन का सबसे बड़ा कांड है, आप लोग समझते होंगे शायद, राजस्थान में चलते हैं लकड़ी के, उनको वहां पर तो मूढ़े बोले जाते हैं, मूढ़े मतलब चेयर होती है वो, ठीक है, चेयर होती लकड़ी की बनती है, और उसमें क्या है, नीचे आप ऐसे वो बनाओगे ना तो पीछे सपोर्ट के लिए जगह होगी, गोल गोल बनेगा तो बीच में जगह रह जाती है उसके, मतलब जो आपकी चेयर है उससे लेके धरती तक थोड़ी जगह रहेगी और वो कवर्ड होता है और पीछे एक सपोर्ट रहता है, लकड़ी के बनते मिल जाते हैं। तो वैसे हमारे घर में थे बहुत सारे, मतलब 4-5 का एक सेट था। तो मुझे जब पता चला ना कि ये लोग मुझे स्कूल भेज रहे हैं और केक वेक का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो भैया मेरे दिमाग में एक आया आइडिया, वो 5-6 पड़े थे, समझ में आया ना, 5-6 पड़े थे, मैं एक के नीचे जाकर बैठ गया, उतनी आपकी साइज होती है उस वक्त कि आप उसके अंदर छुप जाओ, समझ में, हाँ, छोटा बच्चा छुप सकता है, बड़े बच्चे तो पता नहीं छुप सकते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा मैं जाके उसके अंदर छुप गया भैया। और किस एटीट्यूड में, ये मैं अपने आप में मतलब नाराजगी शो कर रहा था ये, कि भैया केक का तो नाम ही नहीं ले रहे हो, सुबह सुबह तो कम से कम एक केक दे के भेजो या केक कटवाओ, टॉफी दिलवा दी, चलो ये अच्छी बात है, बट मेजर पार्ट इज मिसिंग, तो मैं जाके छुप गया, ठीक है। और माहौल जो है वो धीरे धीरे सीरियस होने लग गया बहुत भयंकर, क्योंकि उन्होंने 4-5 मिनट ढूंढा, स्कूल जाने के लिए तैयार ही थे, बिल्कुल एकदम तैयार थे, अपनी दीदी के साथ जाता था मैं स्कूल, तो हम लोग एकदम तैयार थे, बट एन मोमेंट पे बोलते ना एकदम फाइनल मोमेंट पे मैं वहां से गायब, और सब लोग मुझे ढूंढ रहे, छत पे ढूंढ लिया, अड़ोस पड़ोस दोस्त इधर उधर रहते थे दोस्त, उनके घर पे ढूंढ लिया, भैया सब लोगों के पसीने छूट गए बहुत भयंकर तरीके से, सच बोल रहा हूँ एकदम, कोई इसमें कोई ड्रामेटिकल एंगल है ही नहीं, सच बोल रहा हूँ। और मुझे वो सारी चीजें ना उसके अंदर, अब आप शायद आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो बांस है ना छोटी छोटी पतली पतली होती है, उनको ऐसे बांधा जाता है रस्सी से और उसके बीच में जगह रह जाती है, आप अंदर बैठ के देखोगे तो आपको सारा सिनेरियो दिख रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी कि बाहर हो क्या रहा है। तो भाई साहब मम्मी परेशान रो रही हैं, उधर पिताजी ढूंढ रहे हैं, कभी बाइक लेकर कभी पैदल, की यहाँ चला गया होगा वहां चला गया होगा, ये है वो है, मैं अंदर बैठा हूँ कम से कम आधा 1-2 घंटे आराम से हो गए मुझे। और फिर जब मुझे लगा कि अब ये सिचुएशन जो है ये खतरनाक हो गई है, अब बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब लग रहा, क्योंकि वहां पे क्या रोना धोना स्टार्ट हो गया था,
घर में, तो मुझे लगा बेटा तूने ये कर तो लिया पंगा, अब तेरा बर्थडे ये सेलिब्रेट कर देंगे बहुत अच्छे से, तुरंत निकल ले। तो मैं भैया शक्तिमान की तरह वापस बाहर आया, ठीक है। तो देखकर पहले तो खुश हुए, बोले हाँ ये जिंदा है, यहीं पर है। बोले पता चला इसका तो गुप्त दान महाकल्याण हो जाता अभी। तो फिर मम्मी वगैरह ने थोड़ा डांटा तो क्या, बोले ठीक है ना ये है, क्यों छुप गया बोले तू। फिर लास्ट में मैंने कहा अब शायद मौका है, तब तक पिताजी घर पे थे नहीं, वो ढूंढने गए थे। मैंने कहा शायद अब मौका है, मैंने कहा केक तो दिलवाना चाहिए था आपने कम से कम। मैं फिर एटीट्यूड में आ गया, मैंने कहा केक दिलवा भाई ऐसे नहीं। बोले ठीक है। मम्मी ने कहा इतने पिताजी आते हुए दिखाई दिए मुझे, वो बाइक स्टैंड पे लगा के मेरी तरफ जिस स्पीड से आ रहे थे, मैंने कहा अब लगता है केक ये दिल देंगे मुझे केक। तो उन्होंने 2-4 पीस केक के दिए बहुत जोरदार तरीके से, ठीक है, अच्छा लगा हमें। फिर शाम को सेलिब्रेशन भी हुई, सभी दोस्तों को बुलाया गया, ठीक है। ऐसे कांड छोटे मोटे कर दिए जाते हाँ पिटाई हो जाती है बेटा ऑब्वियसली, क्योंकि घर वाले परेशान कर दिए थे ना पता। पर फिर शाम को केक भी मिल गया, फिर शाम को केक भी मिल गया।